लग भी गई, पता भी नहीं चला, आगे पता चलेगा क्या होगा। आंख में आंसू क्यों है? मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, अपने साथ मैंने मास्क लिया है, आधार कार्ड लिया है और सैनिटाइजर लिया है। आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और सैनिटाइज बार बार हाथ करने साफ करने के लिए, और सीट साफ करने के लिए, और मास्क लगा रखे हैं प्रिकॉशन के लिए। मास्क तो दिखा दो, इतने रईसों वाला मास्क लगा रखा है, इधर इधर करना। ए ए फॉर इधर, ए क्या बात है, ए फॉर क्या है, अंजू। ओहो, मम्मी का नाम अंजू है, अपने नाम का मास्क लगा रखा है, देखो क्या बात है। अरे भीड़ में घूमने होना चाहिए, भीड़ में घूमने होना चाहिए। आप कौन सा मास्क उठा उठा के फेंक रहे हो किसी के सामने? नहीं नहीं, मतलब पता चलना चाहिए कि अंजू भाटिया ये रही, ये वाला। ओह अच्छा, ये बात है। मम्मी की वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं, हम दोनों ने डबल मास्क पहना है, ये काला है आपको दिख नहीं रहा है, ये दो दो मास्क है, एक और दो, मम्मी ने भी दो मास्क पहने हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप वैक्सीनेशन लगाने जाओ तो डबल डबल मास्क पहन के जाओ। मम्मी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा ही लिया था, साथ में टाइम स्लॉट भी बुक करा लिया था, तो उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यूजली अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 250 रुपए से लेकर 1250 रुपए पर शॉट लिया जा रहा है पैसा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में ये सब एब्सोल्युटली फ्री है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वहां पे जाके कैसा माहौल होगा पता नहीं, बट अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ, अपने हाथ अपनी प्रोटेक्शन दिखाओ। ये री हो गया जी, ओके। कैसा फील हो रहा? अभी तो दर्द हो रहा है, अभी दर्द हो रहा है। दर्द होगा अभी? नहीं, हो रहा है, हो रहा है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है वैक्सीनेशन के बाद? कुछ नहीं, आज सच बस ये घर पे रहें, सेफ रहें, मास्क वास्क ऐसा नहीं कि वैक्सीन के बाद उतार दें, मास्क पहन के रखें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पीसीएम ले लेना। पीसीएम ले? कितना, 500 mg या 650? नहीं, 500 mg इनफ है। एक डोज या दो? एक एक, नीड हो तो सेकेंड ले लें, वैसे हो गई नहीं फर्स्ट की भी नीड नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, थैंक यू। आइए, आपको भी लग गई? हाँ मुझे भी लग गई, पहले बहुत डर लग रहा था, रात में नींद नहीं आई, ये क्या होगा, सारे कह रहे थे दर्द होता है, था लग भी गई, पता भी नहीं चला, आगे पता चलेगा क्या होगा। आँख में आंसू क्यों हैं? नहीं वो तो एक पिन उसमें मारा इंजेक्शन तो थोड़ा बहुत तो रहता है। अच्छा, थोड़ा बहुत रहता है, आगे देखो क्या होता है, आगे क्या होता है। नहीं, सही होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी लगी? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, साफ सफाई का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा सिस्टमेटिकल है, साफ सुथरा, अच्छा, बहुत अच्छा है, बढ़िया। अब आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको सेकंड डोज लगा? मेरी सेकंड डोज थी है। तो फर्स्ट डोज के बाद क्या सिम्टम्स वगैरह? हल्का सा फीवर आया था, देन उसके बाद मैंने प्रोसीजर लिया था, ठीक हो गया। वैक्सीनेशन हो चुका है, आपका सेकंड डोज लग गया? मेरा सेकंड डोज लग गया, सेकंड डोज, सेकंड डोज और मम्मी का फर्स्ट डोज। जी, बहुत सारे लोगों के ना अप्रिहेंशन है कि जो वैक्सीन है वो प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से जो थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, इसलिए वैक्सीन लगाने से लोग डर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? टेम्परेचर तो पूरी तरीके से कंट्रोल है, बेसिकली वो स्पेशल टाइप का एक रेफ्रिजरेटर होता है, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, जो अगर लाइट चली भी जाए तो भी 10 दिन तक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, तो कोई भी लापरवाही नहीं है टेम्परेचर को लेकर, जो कोल्ड चेन है प्रॉपरली मैनेज कर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं वैक्सीन के टेम्परेचर को लेकर। तो ये इस सेंटर में नहीं है या फिर अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी नहीं? अक्रॉस इंडिया, इसको हर स्टेट के डीएम मैनेज कर रहे हैं और उनके पास सफिशियंट इक्विपमेंट है इसको मेंटेन करने के लिए और प्रॉपरली मैनेज कर। ओके, वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना आ रहा है लोगों को, प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो कोरोना आ रहा है ना उन लोगों को, वो तो वायरस है, वो किसी की बॉडी में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन मेन चीज है कि जो सिम्टम्स है वो क्यूरेबल है, घर पे ही मैनेजेबल है, आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम्स, मतलब दोनों वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना आ सकता है। हाँ, बट सिचुएशन आपकी थी वर्स्ट की, ओके, स्टेबल रही, स्टेबल रही, आपकी बॉडी एटलीस्ट को झेल पा रही, सीवियरिटी नहीं है उसमें। लेकिन जो लोग वैक्सीन लगाने से भी डर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? वैक्सीन लगवाने से ना डरें और वैक्सीन को लगवाएं, हम खुद लगवाई है, उससे कोई वैक्सीन नहीं है जिससे हम बच सकते हैं, बच सकते हैं, और कुछ नहीं बचा पा रहे लोग, तो 18+ भी स्टार्ट हो गया है, तो ओके, जल्दी लगवा लेंगे, वेरी गुड जॉब, ये कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे। आपका नाम? शैली। शैली जी, विपिन कुमार, विपिन कुमार, कोरोना वॉरियर्स, वेरी गुड जॉब, आप अपने लाइफ को एक स्टेक पे रख के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। Thank you. Yeah, I'm Dr. Pragya Shukla. I'm head of clinical oncology and I'm COVID nodal officer as well as nodal officer of COVID vaccination in Delhi State Cancer Institute. I was the first female doctor of the country to volunteer to get vaccinated on 16th January. Oh, wonderful. And fate saved me. I volunteered and vaccine saved me. I recently had
corona, which was had a lot of viral load. And my 7-year-old son, Hiram Upadhyay, he also had corona. And it was only because of the vaccination that now I am here, fit and healthy, and have resumed my responsibility. So please get vaccinated. Vaccine saved me. It will save you as well. Thank you, Pragya ji. And बहुत अच्छा काम किया आपने. जब लोगों को वैक्सीन के बारे में पता नहीं था, तो इन्होंने वॉलंटियर किया, नहीं पहले मुझे लगाओ और मेरे पे आप टेस्ट करो. और टेस्ट करा मतलब एक्चुअली में, और वो टेस्ट जो है बहुत अच्छा इनके लिए रिजल्ट किया, क्योंकि कोविड इनको हो गया था. एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन. कोई और आपको सिम्टम्स अभी और कुछ? नहीं, अदर देन वीकनेस नथिंग. थैंक यू सो मच, वेरी गुड जॉब. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आज दोनों सास बहू मिलके खाना पका रही हैं. मम्मी आप क्या बना रहे हो? मैं तो पापड़ लचीला बना रही हूं. और तू क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ भिंडी प्याजा. आप दोनों मुझे बताओ कि मैं आप दोनों की कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं आपस खाने में हेल्प करूँ, खा के बताना कैसे. क्यों, मैं भी तो बना सकता हूँ. मेरे को आता बनाना? नहीं नहीं, अभी मैं पहली बार बना. बताना क्या बनाऊँ? अंडा बनाऊँ? एग भुर्जी? नहीं नहीं, अभी पहली बार बना रही हूँ. क्या? भिंडी प्याजा. अच्छा, भिंडी प्याजा. ओए होए होए, मम्मी मीनाक्षी को डिनर बना रही है. मैं तो अभी पापा के लिए नाश्ता पानी बना. अच्छा, डिनर आज मीनाक्षी की तरफ से. मीनाक्षी आज डिनर आप बना रहे हो? ओके, तो अभी काफी टाइम हो गया वैक्सीन लगे हुए, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है अभी तो, ऐसा कुछ लग नहीं रहा. अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं. थोड़ा टेम्परेचर लग रहा है? नहीं. ठंडे हो आप तो. वैसे कहते हैं थोड़ा टेम्परेचर आना चाहिए. आना चाहिए? पता नहीं, ऐसा बोलते हैं. पता नहीं, तो आया नहीं, रात का पता नहीं था. तू बता. ऐसा जरूरी नहीं होता, चाचू को भी नहीं आया था बिल्कुल भी टेम्परेचर. अच्छा, जरूरी नहीं होता. तो आपने कौन सा वैक्सीन लगाया? कोविशील्ड. कोविशील्ड. ओके, कोविशील्ड लगाया. ठीक है, चलो भाई बनाओ. बना भाई, देखेंगे आज तूने कितना बढ़िया बनाया. क्या भिंडी दो प्याजा? भिंडी दो प्याजा है? दो प्याज डाले हैं? हाँ. झूठ बोल रही है? झूठ बोल रहा है. दो प्याज डाले हैं. Eventually. So, बन चुका है खाना. मम्मी ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए, इतनी देर लगा दी इसने खाना बनाने में. और ये बन गया है भिंडी दो प्याजा. इसमें तो तीन चार प्याज दिख रहे हैं. दो प्याजा का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? हाँ भाई बताओ. दो प्याजा ना, दो पूरे पूरे प्याज काट दे ना. और नहीं भाई साहब, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं. नहीं नहीं, दो प्याज नहीं है, ज्यादा प्याज. अरे इतने बिल्कुल नाम पे नहीं जाना चाहिए. नाम पे नहीं जाना चाहिए. ओहो, अच्छी है. रेडी हो चुकी है मम्मी. आप टेस्ट करो, सबसे पहले आप फीडबैक दो कैसा बना. नहीं 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 नहीं, घी नहीं लगाना. पागल पतला होना है ये, मेरे को मोटा करने में तुली हुई है. थोड़ा सा घी बॉडी को मिलना चाहिए. नो नो मम्मी, तुसी एनु ट्राई करो ते बताओ तुम खतरा कैसे बनाए. मैं खतरा नहीं लेना चाह रहा. पहले पहले घर की लेडी. मम्मी का फेमस एक्सप्रेशन, मम्मी कैसा बना? हाँ भाई, आगे स्वाद. अरे नकली एक्सप्रेशन, नकली एक्सप्रेशन. नकली नहीं है, सच्ची. टेस्ट करो, बहुत अच्छा. सासू माँ ने पास कर दिया है. अरे मम्मी तो मुझसे प्यार करती है, इसलिए पास कर दिया. तो तू कहना क्या चाह रही है? अच्छा नहीं बना? नहीं. मम्मी को नहीं पता ना, मैं खा लूंगी. अच्छा, प्याजा दो भिंडी. नहीं नहीं, भिंडी दो प्याजा. कैसा बना है? मजा आया. बढ़िया बढ़िया. आज आप इसको इनाम देना चाहोगे? 10 रुपए. बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी इस लड़की ने. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी. बहुत टेस्टी बनाया है. पापा जो इनाम देंगे देंगे. मेरी तरफ से इसको आज 15 रुपए इनाम. धन्यवाद. यार 15 रुपए का हंस रही है यार. यार दिल से इनाम दे रहा हूँ, कुछ ऐसे थोड़ी है. खाना बनाने पे 15 रुपए इनाम. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देख, कोई इनाम छोटा बड़ा नहीं होता. जो दिल से दिया जाए तोहफा. इनाम मतलब नॉट लाइक इनाम इनाम, मतलब तोहफा. तोहफा दे रहे हैं हम आपको 15 रुपए. धन्यवाद. बस यार यही चाहिए. बहुत टेस्टी बना. मीनाक्षी समझ में आई? नहीं, कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगा मतलब इधर आ. कोई सेंस है इस बात की? सही बात, सही निकाला. पापा बुला रहे बेटा. हाँ जी पापा. आज बहुत बहुत अच्छा खाना बनाया बेटा हमने, मजा आ गया. ऐसे रोज बनाते हो? अच्छा है. बहुत बढ़िया था. सही बात है, मीनाक्षी जब भी बनाती है ना बहुत टेस्टी बनाती है. अच्छा खाना तो अच्छा. सर मनी वैसे ही कह रहे थे उसको आता नहीं, कुछ किचन में नहीं जाएगी.
कोई बात नहीं, इसके लिए आज आपको जो है फर्स्ट एंड लास्ट ही हमारी किस्मत बहुत अच्छी। ओ बेटे लाल नोट, ओ बेटे ओ बेटे, दो कितने मिले, कितने मिले दिखाइयो, लाल नोट 2000 रुपए। अरे भाई साहब, अगर इसने रोज खाना बना दिया तो ये तो करोड़पति हो जाएगी, बहुत पैसा ही पैसा होगा। नहीं नहीं, मीनाक्षी बनाती रहेगी, नाम मिलते रहेंगे, वाह सूट बनते रहेंगे। मैं आपको वैक्सीन लगा आज, तो अभी वैक्सीन लगे हुए तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं। कुछ कोई बुखार या कोई सिम्टम, कुछ ऐसा अनइजीनेस तो नहीं लग रही? नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेकिन नींद आ रही है। हाँ, नींद बहुत तेज आ रही है। नींद आ रही है ना? हाँ। तो नींद करेगा, अभी सोएंगे। हाँ। तो मम्मी बिल्कुल फिट है, वैक्सीनेशन आप भी लगाइए, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे प्यारे प्यारे वीडियोस आप सबके लिए। हमारी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, भाटिया फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। इस पैंडेमिक में आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहे, ये हम प्रे करेंगे। और साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोस जो है ना पूरा देखिया कीजिए, शुरू से लेके एंड तक, बीच में स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई ऐसी कोई बात वो मिस कर जाएं आप। और साथ में लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बातें करेंगे हम, बहुत मजा आएगा। कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी तरीके से हंसते रहिए और जैसा आपको पता है, खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं।